क्रीम और तेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ श्वेता यादव। भारत समाचार के खास प्रोग्राम 2024 स्पेशल नक्षत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज से नए साल 2024 का आगाज हो गया है। नए साल पर हर किसी को अपने अपने रेजोल्यूशंस होते हैं। कोई नौकरी बदलना चाहता है तो कोई नया घर लेना चाहता है। तो नक्षत्र में आज हम आपको बताएंगे कि नए साल के पहले दिन कौन से विशेष उपाय करने चाहिए। इन्हीं सब को बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं आचार्य राजू शुक्ला जी। लेकिन उससे पहले मैं गुरुजी से चाहूंगी कि वो आज की 12 राशियों के बारे में बताएं। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का प्रणाम। आंग्ल कैलेंडर के हिसाब से 2024 में ग्रहों का जमावड़ा क्या संकेत दे रहा है और किस प्रकार से आपके दूसरे साल की यानी 2023 के बाद अगले साल की जो शुरुआत हो रही है। याते रुद्र शिवा तनुर घोरा पाप काशिनी त्याना स्तरवा शंतमया गिरिशंता विचाक्षी। इस प्रकार से पूरे ग्रहों का तेज ओज बल इत्यादि लेके आप अपने जीवन की किस प्रकार से प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी होता है वर्ष का, किसी भी वर्ष का प्रथम दिवस। तो प्रथम दिवस पे ग्रहों का जमावड़ा क्या कह रहा है, मेष से मीन, मीन से मेष, प्रवीण, सारी राशियों का जानते हैं क्या है आज का राशिफल। मेष राशि वालों, सतर्कता और सावधानी, ये दो शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तनाव से संबंधित भी कुछ आज का दिन गुजर सकता है। रुके हुए कार्य लेकिन अवरोध दूर हो रहे हैं आपके समय काल खंड से। बड़ी डील को फाइनल करने की भी स्थिति बन रही है। सतर्कता और सावधानी बनाए रखिए। क्या करना है, चुनरी किसी मंदिर में माता रानी के या लाल वस्त्र आप धारण कर दें। गुलाबी रंग भाएगा आपको, भाग्यशाली है 6 का अंक। तो मेष राशि वालों के बाद बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, किसी का साथ आपको सुहाएगा, वैवाहिक संबंध भी अच्छे रहेंगे। कुछ पुरानी आदतों के चलते लेकिन आप परेशान हो सकते हैं, उनको दबाएं। रोजगार को लेके आपको मिलेगी शुभ सूचना। लाल रंग के वस्त्र का आप भी दान करें, यथाशक्ति लाल मिठाई का भी दान करें। लाल रंग ही शुभ है, 19 का अंक आपके लिए उत्तम है। बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, दाम्पत्य जीवन में आपके मधुरता लगातार बनी रहेगी। वाणी में मधुरता रखें। वाद विवाद आपसे हो सकता है, किसी का लव पार्टनर के प्रति आकर्षण बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। फाइनेंस से जुड़े यदि हैं कार्य में तो सावधानी बरतने का कार्य जरूर करें। 2 का अंक नारंगी रंग आपके लिए शुभ है। शनिदेव को जरूर तेल का अर्पण करें, आपको लाभ होगा। 2 का अंक और नारंगी रंग। बात कर लेते हैं अब क्रम से कर्क राशि की। कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, कोई गुड न्यूज आपका इंतजार कर रही है। संतान विदेश में नौकरी पा सकती है, सेटल हो सकती है अच्छे से। किसी व्यक्ति से धन उधार लेने से लेकिन आपको अभी बचना होगा। व्यवसाय में विस्तार आदि की संभावनाएं दिख रही हैं। शुभ अंक 7, शुभ रंग सफेद। तो ये आपको ध्यान रखना है। जरूरतमंदों को भोजन, अन्न दानम श्रेष्ठ दानम, साल की शुरुआत अच्छे से करिए। बात करते हैं आपका सिंह राशि का प्रभाव। थोड़ा सा आलस्य आपके ऊपर प्रभाव दे सकता है, प्रमाद इत्यादि। जीवन साथी से अपनी मन की समस्याओं को आप बताएंगे, सुझाव भी पाएंगे और सफलता भी पाएंगे। व्यवसाय में रुकी योजनाओं को बल मिल सकता है। धार्मिक स्थान पर जाने से संबंधित कार्य हो सकता है, यात्रा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिन आज आपका आलस्य हो सकता है। हरा रंग शुभ है और 5 का अंक आपके लिए। गणेश जी की उपासना करिए, दूर्वा इत्यादि चढ़ाइए, लाभ होगा। तो ये हमने देखा सिंह राशि का। कन्या राशि की बात करें तो व्यवसाय से जुड़ा कोई सुखद समाचार आपके प्रतीक्षा में है। घर की कुछ जिम्मेदारियों का बोझ आपको प्राप्त हो सकता है। फिजूल खर्ची को लेकर आप परेशान हो सकते हैं, उससे आपको बचना चाहिए। पिताजी से या किसी बड़े अधिकारी इत्यादि से भी आपकी बहसबाजी हो सकती है, तो आप सफल जाइए। 3 का अंक केसरिया रंग आपके लिए उत्तमता का परिचय है। गाय को गुड़ और रोटी खिलाए, आप देखेंगे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए देखे जा रहे हैं। केसरिया रंग 3 का अंक शुभ है। तुला राशि पर चलते हैं। बुद्धि विवेक से निर्णय लें आपको लेने पड़ेंगे।
पैनी दृष्टि आपके कई सारे कार्य कराएंगी, लेकिन पैनी दृष्टि से कोई चीज़ बचनी नहीं चाहिए, सावधानी आपको बरतनी होगी। कार्य क्षेत्र में शाबाशी मिलेगी, जूनियर का आपको सहयोग जरूर मिलेगा, साथी के प्रेम में आप डूबे हुए नजर आएंगे तो ये भी अच्छा है, तल्लीनता रहेगी। 10 का अंक आपके लिए शुभ है और फिरोजी रंग भी आपके लिए भाग्यशाली रंग है। अन्न का दान करना आपके लिए महाउपाय शुभ रहेगा। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। जिम्मेदारियों का कुछ बोझ आपका बढ़ता हुआ देखा जा रहा है, यानी आप कुछ रिस्पॉन्सिबल महसूस कर सकते हैं, विशेष रूप से दाम्पत्य जीवन, जिससे मधुरता भी आपकी बनी रहेगी। सामाजिक क्षेत्रों में है यदि तो अच्छी प्रतिष्ठा आपकी आज हासिल होगी। निवेश आपको मन मुताबिक लाभ देता हुआ नजर आ रहा है। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी आपके लिए दिख रहा है। तो ये उपाय आज कर लीजिए। ओम शुक्राय नमः, यानी शुक्र जी देव के मंत्र का आप जाप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं धनुराशि की। धनुराशि वालों, अतिरिक्त परिश्रम और अतिरिक्त प्रवास और प्रयास, ये तीनों चीज़ें आपको चाहिए, निश्चित रूप से फलदायक रहेगा आज आपका दिन। चारों ओर से वातावरण आपको आज मंगलमय सुखदमय आपको प्रतीत होगा। मांगलिक उत्सव में आप सम्मिलित होते हुए देखे जा रहे हैं। आपको दूध के पदार्थों का दान करना लाभकारी होगा, दूध के पदार्थों का दान करना शुभ होता है, इसको जरूर करें। बात करते हैं मकर राशि की। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए जातकों को मिलने जा रहा है नया मौका, अपॉर्चुनिटी। विद्यार्थियों को भी शिक्षा में परिश्रम से गुजरना पड़ेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए लोग हैं जो भी, तो उनके लिए सप्ताह अनुकूल रहेगा, चाहे आप रियल इस्टेट में काम कर रहे हो। 17 का अंक यानी 8 का अंक और शुभ रंग आपके लिए रहने वाला है हरा। गणेश जी को आप 11 गांठ दूर्वा अर्पित करके गणेश चालीसा इत्यादि का पाठ करें, आपके लिए दिन शुभ रहेगा। तो मकर राशि के हमने देखे हाल। मकर राशि के बाद अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, कोई बड़ी खुशखबरी मिलने से आपका मन प्रसन्न होगा। लेन देन से जुड़ी हुई समस्याओं को आप अभी से निस्तारण करें तो ज़्यादा अच्छा है। व्यवसाय में योजनाओं में सलाह लेना थोड़ा सा घातक हो सकता है आपके लिए। दिया हुआ धन आपको वापस प्राप्त हो सकता है। 8 का अंक नीला रंग आपके लिए शुभ है। शिवलिंग पर चने की दाल अर्पित करें और चने की दाल यथाशक्ति यथा सामर्थ्य आप गाय को भी खिलाएं। नीला रंग 8 का अंक शुभ है। मीन राशि पर चलते हैं। कुछ मुश्किलें आपको दे सकता है ये दिन, ये दिवस। जिंदगी में कुछ उथल पुथल बन सकती है, इसलिए सबसे बड़ी बात रहेगी कि आप जल्दबाजी से बचें, उतावलेपन से बचें। विशेष रूप से कार्य क्षेत्र में सत्ता और सरकार से जुड़े हुए मामले अपेक्षित हैं। भूरा रंग 4 का अंक आपके लिए आज उत्तम है। हनुमान जी की उपासना करना, सुंदरकांड इत्यादि आपके लिए शुभ रहेगा। तुमने देखा मेष से मीन राशि, आपका दिन शुभ हो। तो गुरु जी, नए साल पे दर्शकों को पंचांग बता दीजिए, नए साल पे क्या दिन रहने वाला, किसमें शुभ रहेगा। दिनांक 1 जनवरी 2024, पंचमी तिथि का मान लगा है मघा नक्षत्र, केतु का नक्षत्र मघा, सिंह राशि पे चंद्र। सोमवार का दिन पौष मास कृष्ण पक्ष, शुभ समय 12:03 से 12:45, स्थिर सिद्ध, और राहु काल 8:31 से 9:49 तक सिद्ध है। तो गुरु जी, अब हमारे खास टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं कि नए साल पर पहले दिन हमें कौन से विशिष्ट उपाय करने चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि नए साल का आज पहला ही दिन है तो दर्शकों को बिल्कुल ही जानना होगा हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको विशेष उपाय कर सकते हैं और ऐसी कौन से हम कार्य करें और बिल्कुल प्रथा। तो सबसे पहले जब आप भगवान की पूजा, उनकी आरती करें तो आरती के दीपक में घी के साथ लौंग अवश्य आज डालें। प्रार्थना करने में आपके पूजन करने के और साल भर के कष्ट दूर हो जाएंगे, और भगवान शिव को भी ये लौंग आप चढ़ाएं तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगा। और इसके साथ माँ लक्ष्मी को भी यही लौंग का उपाय अगर अर्पित करते हैं लाल रंग के कपड़े में, और लाल रंग के कपड़े को माँ लक्ष्मी को अर्पित करके अपने तिजोरी के स्थान में रखें। देखिए, बहुत ही सिंपल उपाय आपको बता रहे हैं, और इसके साथ ओम श्री हनुमते नमः का जाप करके भी हनुमान जी के मंदिर में चोला इत्यादि चढ़ाएं, इससे भी आपके पूरे साल भर कोई संकट नहीं आएगा। और इसी के साथ साथ लौंग का ही उपाय है, आप
अपने रसोई में भी या जहां अनाज इत्यादि रखते हैं वहां पे भी आप पोटली में बांध के पीले या लाल रंग के कपड़े में रख सकते हैं, जिससे आपका धन धान्य भी जरूर बना रहेगा। और केवल सिंपल सा उपाय लौंग का, लेकिन ये बहुत ही शानदार उपाय आपके जीवन को जरूर शुभ बनाए। गुरु जी, जैसे एक मेरा एक सवाल है आपसे, मैं जानना चाहूंगी कि अगर किसी के घर में लगातार बीमारी से कोई ग्रस्त है तो उनको क्या उपाय करना चाहिए? आज पहला दिन है, जैसे कहते हैं कि अगर आज जो कर लिया वो आपको साल भर महसूस होता है, तो उसमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि बीमारी और इन सब चीज़ों से बहुत लोग वैसे भी दुखी हैं। अगर संभव हो तो औषधि ले लें, कोई भी औषधि ले लें, वो चाहे एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, किसी भी चीज़ की, और उसके साथ कुछ ले लें फल। और यदि संभव हो तो निकट के किसी अस्पताल इत्यादि में या जो भी ज़रूरतमंद रोगी इत्यादि मिल जाए, अगर आप उसको वो दान कर दें और ये प्रार्थना करें कि उसका रोग जल्दी से ठीक हो जाए और धन्वंतरी भगवान का चित्र ला के घर में लगा के ज़रूर उसके पूजन करने, ओम धन्वंतरी नमः, ओम धन्वंतरी नमः करके एक ग्लास जल ग्रहण कर लें सब लोग पूरे परिवार के, निश्चित रूप से पूरे साल भर आपको ये उपाय और ये दान महा उपाय है औषधि का, जो आपको लाभ देगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। तो आज आपने जाना कि नए साल के पहले दिन हमें कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, और अगर आपके यहाँ कोई बीमार है तो उसके लिए भी हमें क्या उपाय करने चाहिए। तो और ज्यादा जानकारी के लिए आप गुरुजी को कांटेक्ट भी कर सकते हैं 800-403-6524 पर। यह गुरुजी का व्हाट्सएप नंबर, इस पर टेक्स्ट मैसेज कर अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। और साथ ही गुरुजी की ईमेल आईडी है rajeshuklaonline@gmail.com। तो आज के 2024 स्पेशल नक्षत्र में बस इतना ही, कल फिर आप सभी से मुलाकात होगी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।